बैठ के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फैसला करेंगी कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। यह भी सोचा कि इनके लिए पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि दो ही है ना, या हम उनको मार दें सारों को खड़ा करके, और या फिर उनको सेटल करें और उनसे कोई एग्रीमेंट करें। ये तो इसके अलावा तो तीसरा कुछ नहीं था। तो हमने उनसे ये बात हुई, और वो बदकिस्मती से बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि और चीजें आ गई, और आप सब जानते हैं रेजिम चेंज के अंदर और चीजें आ गई। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चली गई। 2022 की जून के अंदर मलाकंड के अंदर मसला आ गया, स्वात के अंदर एकदम तालिबान की वहां कोई आया और वो अवाम खड़ी हो गई, उनको बड़ा कि फिर से वही हाल होने लगा जो कि पहले था, जिधर स्वात के लोगों ने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा। तो तब तशवीश हुई, और मैंने जून के अंदर फिर मीटिंग की अपने पख्तूनख्वा के MNAs और MPs के साथ, KP हाउस के अंदर इस्लामाबाद में मीटिंग की, और उनको सब खदशा था कि ये एक नया फिनोमेना फिर आ रहा है, ये जो तालिबान आ रहे हैं वहां स्वात के अंदर जो हो रहा है, और फिर लेटर्स लोगों को आने शुरू हो गए कि पैसे के, और फिर हमारा एक MP था उसको गोलियां लगी वहां दीर के अंदर। तो सबसे मीटिंग हुई और उनको खौफ था कि ये हो क्या रहा है, और फिर हमने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी KP में, हमने उन्हें कहा कि आप बात करें वहां के कोर कमांडर से और कोई एग्रीमेंट करें कि ये क्या हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी।